हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहाद, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप हैं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूं आई क्लाउड किस तरह से हम अनलॉक कराते हैं ऑनलाइन। कुछ लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है, तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप में आपको समझाऊँगा कि आप अपने एप्पल का किसी भी फ़ोन का 6 का 6 प्लस का 7 प्लस का 7 8 का किसी तरह का भी आप अनलॉक किस तरह से आई क्लाउड अनलॉक कराएंगे ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए। तो दोस्तों मैं बता दूँगा आपको, मैं अपने चैनल पर रोज़ की इस तरह की एक वीडियो डालता हूँ जो मोबाइल फ्लैशिंग या मोबाइल अनलॉकिंग से रिलेटेड होती है। तो अभी तक अगर चैनल पर मेरे आप नए आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आप हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस तरह की आपको वीडियो मिलेंगी। सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में आप किस तरह से आप आई मेल चेक करके, ब्लैक लिस्ट चेक करके, आगे मैं आपको समझाऊँगा डिटेल में उसको आप किस तरह से अनलॉक करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके लिए हम चलेंगे पहले पीसी पर। पीसी पर ही आपको मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आई क्लाउड अनलॉक के बारे में। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हम अपने मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो देखिए सबसे पहले हमें एक वेबसाइट को ओपन करना है। मैं आपको शुरू समझा देता हूँ, पीछे कट करके आई क्लाउड ब्लैक लिस्ट चेक करने वाला हमें वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको मैं जो है आगे का स्टेप समझाऊंगा। ये हमने अपना क्रोम ओपन किया, यहाँ पे अपना वेबसाइट को एंटर किया। ये हमारे पास ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसमें हमें लिखा हुआ है फ्री आई मे ब्लैक लिस्ट चेक लॉस्ट और रिस्टोरेन। तो अगर मोबाइल आपके पास अपना मोबाइल अगर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई कस्टमर आपके पास लेके आता है तो सबसे पहले उसका हमें ब्लैक लिस्ट चेक करना पड़ेगा, उसका आई मे नंबर एंटर करके, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। ब्लैक लिस्ट उसका क्लीन रहेगा, हमें मोबाइल उसका आई मे नंबर क्लीन रहेगा तभी आगे का स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है आई मे नंबर, तो हमें अपना आई मे नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। सिंपली मैंने नोट करके रखा हुआ है आपको लोगों को समझाने के लिए, तो मैं आपको मोबाइल की ब्लैक कहूँ कि आपको मिल जाएगा आई मे नंबर, या वहाँ से आपको लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप सिम स्लॉट पर भी लिखा रहता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना आई मे नंबर एंटर किया और उसके बाद चेक किया, तो यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पे कपाचे भरने के लिए बोल रहा है, इस पर क्लिक किया सिंपली, और ये देखिए मेरे यहाँ पे आ गया क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्लीन ही होना है, क्लीन अगर नहीं होगा तो फिर आपका मोबाइल आई क्लाउड अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, ये क्लीन है तो ये अगर ठीक है। इसके बाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरा वेबसाइट का लिंक दे दिया, उस वेबसाइट पर आपको ओपन कर लेना है। ये पूरा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा, वहाँ से आसानी से आप इसको ओपन कर सकते हैं। आई क्लाउड अनलॉक कराने के लिए हम सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना मॉडल नंबर, तो अभी यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए अपना आईफोन 7 प्लस का डाल देता हूँ, और यहाँ पे आई मे नंबर एंटर करना है जिसको आपको मोबाइल का अनलॉक कराना है, वो मोबाइल का आपका आई मे नंबर यहाँ पे एंटर करना है। और अगर अनलॉक नाउ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस बोल रहा है जो ईमेल एड्रेस, तो आपको जो आपका पक्का परमानेंट ईमेल एड्रेस है वो आपको डालकर एंटर करना है, अदरवाइज कोई दूसरा ऐसे नहीं बना के नया नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर आपको जो है कोड भी आएगा, तो फिर सीधा कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक, और अभी आपको हमें ये नोटेक्स पेमेंट मेथड वेबसाइट पर चला जाएगा लेकर, ये आ गया देखिए। इस वक्त का जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का रेट इसका $27 है, करीब करीब 2500 के आसपास मान लीजिए आप, 2500 थोड़ा कम। ठीक है, तो उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, आप देख लेना अपने हिसाब से। 3000 के आसपास आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट है ये बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, और सबसे कम पैसों में यहाँ पे आप अपना मोबाइल का अनलॉक करा सकते हैं, कोई भी आई क्लाउड अनलॉक करा सकते हैं 7 प्लस का 8 प्लस का 8 का। तो आपके पास यहाँ मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, जैसा कि वीज़ा कार्ड है तो आपको मैं जाकर दिखाता हूँ, तो आपको स्क्रेच पर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो डेबिट कार्ड या का नंबर है वो डालना है, एंटर करना है, या नंबर नाम डालना है, और यहाँ एक्सपायरी मंथ कौन से मंथ में एक्सपायर हो रहा है, कौन से ईयर में एक्सपायर हो रहा है, और जो यहाँ पर कार्ड के पीछे लिखा रहता है सीवीवी नंबर, वो यहाँ पर एंटर करना है, और सिंपली यहाँ पर टिक लगा के आपको नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका मोबाइल 1 से 2 घंटे के अंदर आई क्लाउड आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है,
तो देखा आपने कितने कारण से ही आपको मैंने इसमें समझा दिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और कोई उसके अंदर कमी रह गई या कोई मुझसे कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो उसके बारे में ही बताएं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के मोबाइल सॉफ्टवेयर लोग रिलेटेड से वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर डेली मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना दोस्तों का ख्याल रखें।